यूपी में दो साल बाद यानी साल 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन तमाम सियासी दल अभी दांवपेच आजमाने में लगे हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता में लौटे तो यूपी के हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश के नहले पर दहला चलते हुए ऐलान कर दिया है कि हम सत्ता में लौटे तो भगवान परशुराम के नाम पर अस्पताल बनवाएंगे। ब्राह्मण वोट पर नजर। साल 2019 का आम चुनाव साथ लड़ने वाले बुआ भतीजे को अगर अब भगवान परशुराम याद आए हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ब्राह्मण वोट बैंक माना जा रहा है, क्योंकि विकास दुबे हत्याकांड के बाद कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से नाराज है। ऐसे में उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया है, तो बीएसपी कैसे खामोश रह सकती थी। साल 2007 में ब्राह्मण वोट बैंक साधने के बाद सत्ता में आई मायावती ने रविवार को ऐलान कर दिया कि कोरोना के मद्देनजर राज्य और केंद्र सरकार की कमियों को ध्यान में रखते हुए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम और सभी जातियों धर्मों में जन्मे महान संतों के नाम पर अस्पताल और सुविधा युक्त ठहरने के स्थानों का निर्माण किया जाएगा। मायावती ने सपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि चार बार बनी बीएसपी सरकार ने सभी वर्गों के महान संतों के नाम पर अनेक जनहित योजनाएं शुरू की थीं और जिलों के नाम रखे थे, जिसे बाद में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने मानसिकता और द्वेष की भावना के चलते बदल दिया। बीएसपी की सरकार बनते ही इन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं। इनमें से नारायण दत्त तिवारी ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है। हालांकि 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में दलित और ओबीसी वर्ग की राजनीति बढ़ी और ब्राह्मण हाशिए पर चले गए, लेकिन आज भी सभी पार्टियां इस बात को मानती हैं कि 10 से 12 फीसदी का ब्राह्मण वोट बैंक जिधर रहता है उसे ही सत्ता हासिल होती है। यही वजह है कि सपा बसपा में ब्राह्मण वोट साधने की होड़ मची हुई है।